बिहार के नए शिक्षा मंत्री को आखिर क्यों देना पड़ा इस्तीफा? बंगाल में खून खराबे की राजनीति आखिर कब तक चलेगी? और किसने कहा कि डिजिटल इंडिया गेम चेंजर है? देश और राज्यों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? आप देखिए न्यूज टॉप 9 देश प्रदेश में। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। विपक्ष लगातार कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर उन पर सवाल उठा रहा था। मेवालाल ने कहा कि आरोप फर्जी हैं और वो तेजस्वी यादव पर 50 करोड़ की मानहानि का केस करेंगे। पश्चिम बंगाल के बीबनपुर में बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा को भी तोड़ा गया। आरोप टीएमसी पर है। कूचबिहार में बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में बंद रखा गया था। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए तो उत्तर 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता आकाश साव की हत्या भी हुई है। पश्चिम बंगाल के मालदा के सुरजापुर प्लास्टिक फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हैं। ममता सरकार ने मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया है। वहीं अवैध लाइसेंस को लेकर राज्यपाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी की निगाहें पश्चिम बंगाल के 23 में से 22 जिलों के मुस्लिम वोटरों पर है। AIMIM ने विधानसभा चुनाव में सीएम ममता बनर्जी को गठजोड़ का प्रस्ताव दिया है। इस पर टीएमसी ने दो टूक कहा है कि ओवैसी वोट कटवा और बीजेपी के कठपुतली हैं। ओवैसी की पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा है कि दीदी बीजेपी की असली एजेंट है। डिजिटल इंडिया हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ। नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन किया। उन्होंने डिजिटल इंडिया को गेम चेंजर बताया। डिजिटल इंडिया हैज बिकम a way of life. Our government has successfully created. मुंबई में कराची के नाम से कोई व्यवसाय नहीं चलेगा। एक वीडियो में एक रेस्टोरेंट मालिक को शिवसेना नेता नितिन नंदगांवकर धमकाते दिख रहे हैं। MNS ने भी शिवसेना के सुर में सुर मिलाए हैं। बीजेपी नेता राम कदम का कहना है कि BMC चुनाव को देखते हुए दोनों को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की याद आई है। बिहार के सहरसा में बलुआहा बाजार स्थित होटल में मिठाई बनाने के दौरान गैस सिलेंडर रिसाव होने की वजह से भीषण आग लग गई। आग में 31 दुकानें जलकर खाक हो गईं। दमकल की गाड़ियों के पहुंचने से पहले गांव वालों ने आग पर काबू पाया। भोपाल के निशानपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस और ईरानी मूल के लोगों के बीच भिड़ंत के दौरान कई राउंड फायरिंग की गई। अमन कॉलोनी में रिजवान नाम के आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी। ईरानी डेरे पर लोग लाठी मिर्ची पाउडर और हथियारों से लैस थे। छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। छठ व्रतियों ने आज शाम खरना का अनुष्ठान संपन्न किया। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया। कल शाम को अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा।